हेलो बच्चों, आइए चलिए सर करते हैं कुछ। हाँ, तो आज हम लेके आए हैं TDS का पॉइंट। अब TDS का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो सर, इसको समझना है कि TDS है क्या। तो सर, मेनली ये कंसेप्ट आया किस लिए है कि क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट को टैक्स तो सर चाहिए। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि मैं टैक्स जो है बहुत बाद में कलेक्ट करूँ, ट्रांजेक्शन आज और टैक्स मैं बाद में कलेक्ट करते रहूँ। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, अगर दो पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है, देन जो पेइंग पार्टी है, जिसको पैसा पे करना है, तो वो पार्टी हमें पहले ही टैक्स डिडक्ट करके देगी। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सी, पहला एग्जाम्पल है, सपोज एक हम पे है ए और एक है बी, और ए ने बी को सर्टेन सर्विसेज दी हैं, तो अब इसमें क्या होगा सर? ए ने सर्विस दी हैं बी को, तो अब पेमेंट कौन करेगा इसमें सर? पेमेंट देंगे बी भाई साहब। किसको सर? ए को। तो अब क्या होगा, सपोज बी को पेमेंट करनी है ए को, तो और अमाउंट है 10,000। तो सर अब देखिए, अब ये 10,000 की जो पेमेंट है, इसके ऊपर जो भी सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट ने बता रखी है, इधर इट इज 2%, इधर इट इज 5%, और इधर इट इज 10%, तो बी 10,000 का, 10,000 में से जो भी है उसका सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करके ए को नेट ऑफ करके देगा। तो ये TDS है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब ट्रांजेक्शन हुई, जब वो टैक्स दे देते हैं। तो TDS का एक रूल है, वो हम सबको याद रखने, क्या? ड्यू और पेमेंट, ड्यू और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। तो सर, या पहले ड्यू हुआ या पेमेंट हुआ, जो भी काम हुआ उसी पर आप क्या कर दो? TDS काट लो। बस सीधी बात सर यही है, इतना हमें ध्यान रखना है। ये छोटा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि TDS है क्या, और अभी TDS के बारे में तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक लाइन थी। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाय बाय एवरीवन।